वाह क्या एक्टिंग थी और क्या कहानी लिखी गई है। सच में अब समझ में आया क्यों कोई स्वरा भास्कर जैसी एक्टर को काम क्यों नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रसबरी एक सीरीज़ के बारे में। टोटल इसके अंदर 8 एपिसोड हैं और इन टोटल 8 एपिसोड को अगर मैं मिलाऊँ तो ये पूरी सीरीज़ करीबन करीबन 3.5 घंटे की बन जाती है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने डार्क सीरीज़ की 3rd सीज़न के एक रिव्यू किया था इसी चैनल पर, तो उसमें मैंने बताया था कि 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीबन करीबन 1 घंटे का है, तो 8 घंटे से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वो सीरीज़ बनती है। लेकिन उन 8 घंटों को मैंने देखने में एक ही टाइम में एक ही बार मैंने उन सारे के सारे एपिसोड को देख लिया था, क्योंकि यार वो जो सीरीज़ थी जो उसका सीज़न आया था वो इतना मतलब इतना ज़बरदस्त था यार, देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। और अब कंपेयर करूँ, माफ़ करना यार, मैं डार्क जैसी इतनी ज़बरदस्त ऐसी मास्टरपीस का कंपेयर एक कचरे से कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ यार। समझ लो कि इतनी वाहियात सीरीज़ है ये, इसके टोटल 3.5 घंटे ही थे और इन 3.5 घंटों को देखने के लिए मुझे 3 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। इतनी घटिया, इतनी वाहियात स्टोरी, इतनी घटिया एक्टिंग परफॉर्मेंस, इतना बेकार था यार सच में। देखकर हर करेक्टर को, हर एक जो उसमें था उसे देख देख कर घिन आ रही थी यार। इसे डायरेक्ट किया है निखिल भट्ट ने, इसमें कास्ट है स्वरा भास्कर, आयुष्मान सक्सेना, सोनाक्षी ग्रोवर और बाकी अन्य कलाकार। अब स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोगों से इसके जो इस सीरीज़ के अंदर जो परफॉर्मेंस दी गई है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में किसी भी सिंगल करेक्टर की या भी जो सिंगल एक्टर है जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं, एक्टर या एक्ट्रेस जिन्होंने इसके अंदर काम किया, किसी की भी परफॉर्मेंस कोई भी मतलब ऐसी नहीं कि जिसको याद रखा जाए, बल्कि ऐसी थी कि जिसे देखकर घिन आ जाए। जितनी वाहियात उनकी परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा वाहियात इस सीरीज़ के अंदर उनकी सोच दिखाई गई है। सच में मैं हैरान हूँ कि इसके मेकर्स बिल्कुल भी उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किस कहानी के ऊपर काम कर रहे हैं यार, वो क्या बना रहे हैं। उनको इतनी भी यार सच में उनका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है क्या, वो सोच भी नहीं पा रहे क्या, सोचने की शक्ति नहीं है कि उनके पास वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार इतने ही ज़्यादा रुपये आ गए हैं, उनको आग लगानी ही है, तो इससे बेटर है कि जो कोरोना के चलते इतने ज़्यादा लोग जो हैं जिनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है उनको जाके पैसा दो यार, लोगों की दुआएं लो, सालों लोगों की गालियां मत लो। अब इसकी कहानी की बात करते हैं। एक नंद नाम का एक लड़का है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है और उस लड़के की सोच इस सीरीज में ऐसी दिखाई गई है कि इतना वाहियात, इतना घटिया, इतना ठरकी है कि वो अपनी स्कूल में पढ़ने वाली जो उसके जो लड़कियां हैं वो उन तक को भी नहीं छोड़ता, उनके लिए भी अपने दिमाग में वो घटिया ख्याल आता है। साथ ही साथ जो उसकी एक जो टीचर होती हैं उसके बारे में भी उसके जो मन में जो ख्याल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया हैं। और केवल नंद ही इसमें अकेला गलत नहीं दिखाया गया, बल्कि इस सीरीज़ में हर एक सिंगल मर्द जो है वो गलत दिखाया गया। तभी तो वुमन एम्पावरमेंट सामने आनी है कि भाई हर एक मर्द गलत होगा, तभी वुमन की एम्पावरमेंट मतलब उस वुमन को स्ट्रोंग दिखाने का यही एक तरीका है कि हाँ भाई सारे के सारे मर्द को गलत दिखा दो, फिर वुमन एम्पावरमेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अबे यार तुम लोग भांग पी कर या फिर कौन सा सस्ता नशा फूंक कर तुम ये सीरीज बना रहे हो या लिखते हो, कौन ये डायरेक्ट करता है और यार क्या यार। तो नंद जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में एक न्यू इंग्लिश टीचर आती है शानू बंसल, जिसे प्ले किया है स्वरा भास्कर ने। अब क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है, इस अकेली एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस इसमें दिखाई गया है यार, आज तक तुम लोगों ने जितनी भी वाहियात परफॉर्मेंस देखी है उनको तुम एक साथ प्लस कर लो, ठीक है, और इज इक्वल टू इस स्वरा भास्कर की परफॉर्मेंस के बराबर रख लो। मैं तो कहूँगा फिर भी ये स्वरा भास्कर की जो परफॉर्मेंस है उन सब पे भारी पड़ने वाली है, जितनी भी वाहियात परफॉर्मेंस थी यार। रियली में अब समझ में आने लगा कि कोई क्यों इस एक्ट्रेस को काम क्यों नहीं देता, क्योंकि यार कौन पैसे यार, वैसे इन इंसान इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई यार इसके ऊपर पैसे लगा रहे हो, पैसे बर्बाद ही होने, कोई ढंग का और ले लेते, या फिर ये जो स्वरा भास्कर थी इन जैसों को ऐसी ही मूवी ऑफर होती हैं। और इस सीरीज़ में जो स्वरा भास्कर जो इंग्लिश टीचर बनी है, शानू बंसल उनका नाम इस सीरीज़ में रखा गया, तो जो इन्होंने इसमें इंग्लिश बोली है मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस सीरीज़ में शानू की दो पर्सनैलिटी दिखाई गई हैं, एक में जो वो इंग्लिश टीचर है जिसमें अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, और दूसरी इसके अंदर एक पर्सनैलिटी जो है
पता नहीं वो उसे चुड़ैल कहें या फिर कोई और उसके साया है, ऐसा कुछ इसमें दिखाने जो मुझे समझ नहीं आया भाई। हाँ भी वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो जिसका नाम है रश्वरी, जो ये रश्वरी है ये मर्दों को रिझाती है, और इस सीरीज में स्वरा भास्कर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत है, और उसको देखते ही हर एक इंसान, हर मर्द फिसल जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर कोई अपने अपने जो मतलब सही रास्ते पे चल रहा है उससे वो भटक जाता है। इसको देखते ही अपनी वाइफ को उसको धोखा देने का मन करता है, हर मर्द को ऐसे दिखाया गया। तो मैं सच में एक बात बोलना चाहूँगा, अगर स्वरा भास्कर इस पूरी दुनिया में अकेली फीमेल करेक्टर बचती है तो सच में उसको देखने का भी मेरा मन नहीं करेगा। तो नंद को अपने टीचर की इस पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर दो पर्सनैलिटी हैं, एक शानू की और एक रसभरी की। तो वो अपने टीचर की अब हेल्प करना चाहता है, क्योंकि जो रसभरी है उसकी वजह से पूरे मोहल्ले वाली जो औरतें हैं बस अब शानू को मारने के लिए अब आ रही हैं। तो इसलिए वो नंद जो है अपनी टीचर को वहाँ से निकालने के लिए उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। और एक और बात जो इस सीरीज में दिखाई गई कि यहाँ पे जो छोटे बच्चों को लेकर भी उन्होंने जो भद्दी भद्दी जो चीज़ें बोली हैं यार, उनको तो बख्श देते यार, उनका क्या लेना देना था। और सच में ये जो सीरीज है इसमें ना तो कहानी है, अब मैं इसके पूरे कंक्लूजन की बात करूं तो इस सीरीज में ना तो कहानी है, ना परफॉर्मेंस है, ना डायरेक्शन है, और जो इसमें जो स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस ले लो उससे दिमाग और ख़राब होता है। और इस पूरी सीरीज को चलाने के लिए एक ही सहारा लिया गया है, वो है कि भाई सेक्सुअल, मतलब वुमन को एक तरीके से सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव के तरीके से यूज़ किया गया, जिस्मानी प्रदर्शन करके इस सीरीज़ को चलाने की कोशिश की गई है। तो अब मैं स्वरा भास्कर जो इतनी बड़ी फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करती है, आए दिन ट्वीट करती रहती है औरतों को लेकर, जो गवर्नमेंट के जो फैसले निकलते हैं उनको लेकर जो वो ट्वीट करती है, अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट समझने वाली, तो मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि आ यार अब उसे कोई आपत्ति नहीं हुई कि वुमन को यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव की तरह ये यूज़ किया जा रहा था, अब इसमें वुमन एम्पावरमेंट की कौन सी बात आ रही थी भाई। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, इसको आपत्ति पता क्यों नहीं हुई? आपत्ति इसलिए नहीं हुई भाई, यहाँ पे इसको मिल रहे हैं पैसे, तो जाहिर सी बात है इन जैसे लिबरल और जो इन जैसे जो सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको पहले से फंडिंग होती है। अब फंडिंग के लिए अपनी झूठी लाइफ स्टाइल को जो ये मेंटेन करना चाहते हैं तो ये फंडिंग का सहारा लेते हैं, अपने देश के विरुद्ध बोलने को तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान के उनके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें करने को तैयार हो जाते हैं, धर्म के विरुद्ध वो बोलने को तैयार हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा फैसला लेती है, हर एक फैसला चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको फंडिंग पीछे से मिल रही है तो उनके लिए उल्टा सीधा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अपनी इसी झूठी लाइफ स्टाइल को मेनटेन रखने के लिए सब चीज़ें करते हैं, तो इन जैसों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पैसों के लिए ये इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि इनको नहीं पता फेमिनिज्म का मतलब भी क्या होता है। बस हाँ, जब भी है वुमन को एक तरीके से एक समाज को डिवाइड करने की जो बातें आती हैं तब ये लोग ट्वीट करना स्टार्ट करते हैं। तो रसभरी सीरीज के मेकर्स बस सिर्फ जिस्मानी प्रदर्शन के ऊपर इस सीरीज को चलाना चाहते थे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा यार एक पोर्न मूवी बना लेते, ये वाहियात कचरा क्यों बनाया यार, क्यों बिना वजह लोगों का दिमाग उनका टाइम खराब करने के लिए आ गए हो यार। सच में ये मूवी देखने तो दूर की बात है, थूकने के लायक भी नहीं है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 0 out of 10 स्टार। सच में कहूँ तो इस सीरीज़ के लिए अगर मैं स्टार की भी बात करता हूँ ना तो यार ये उतना भी डिजर्व नहीं करती। मैंने इसको कहा ना 0 out of 10 स्टार, तो यार ये स्टार भी डिजर्व नहीं करती, इतनी वाहियात सीरीज है। मैं यार सच में यार मैंने अपने 3.5 घंटे, पूरे 3 से ज़्यादा दिन लग गए मुझे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, और वो देखा कैसे, मैंने अपने आप को टॉर्चर इसको झेला है यार, हर एक मिनट मैंने इसको झेला है कि यार देख ले यार थोड़ा सा और देख ले, बस खत्म होने वाली है, खत्म होने, ऐसे कह कह कर अपने आप को मोटिवेट किया है। इस सीरीज़ को मैंने झेला है और मैं यही सलाह देने वाला हूँ यार, अगर तुम लोगों ने इसे नहीं देखा ना तो प्लीज़ इससे दूर रहना, और तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ को नहीं देखा है। और अगर जिन्होंने देख लिया है मेरी तरह तो यार क्या करें, तुम्हारी और मेरी किस्मत कसम से बहुत ज़्यादा ख़राब है जो ऐसी वाहियात सीरीज़ देखने पड़ती है यार। अब तो मैं क्या करूँ यार, मेरा तो यार वैसे काम रह जाता है, रिव्यू करना होता है, वैसे कोई एक्सपेक्टेशन आगे से समझ गया हूँ कि इन जैसी जो एक्ट्रेस हैं, इन जो स्वरा भास्कर है, इन जैसों से उम्मीद भी की जा सकती है। क्या करें यार, इनको काम भी ऐसी मूवीज़ में या ऐसी सीरीज़ में मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना करियर तो वैसे ही ख़राब कर रखा है, अब ये सोशल एक्टिविस्ट बन के एक दूसरा करियर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वहाँ पे भी इनका कोई करियर काम नहीं कर रहा,
बस छोड़ो यार, मुझे बात और नहीं करनी, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।